हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ। नॉन वेजिटेरियन जिनको पसंद है उनके लिए ये डिश बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं 750 ग्राम ये चिकन ले ली हूँ। इसको बढ़िया से वॉश करके मैं रख ली हूँ और इसको मैं आज एक स्पेशल सा चिकन बनाने वाली हूँ, जो आप पूरा वीडियो देखिए तो पता चलेगा। ये देखिए, मैंने इसके लिए 500 ग्राम प्याज काट ली हूँ। इसके लिए थोड़ा सा गार्लिक मैं ले ली हूँ। इसको अच्छे से इसके छिलके उतार के मैं इसको ले ली हूँ और 500 ग्राम ये प्याज है। इसमें तड़के के लिए मैं देखिए ये थोड़ा सा तेज़ पत्ता ले ली हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च खड़ी वाली, ये दालचीनी है पाउडर, और ये थोड़े से सब गरम मसाले जो होते हैं, ये बड़ी वाली इलायची है, छोटी इलायची, और ये फूल होते हैं जो गरम मसाले में ही मिलते हैं वही है, और ये भी एक तरह का फ्लावर भी होता है जो गरम मसाले में मिलता है। इस सबको तड़के के लिए मैं अभी यूज करूँगी। और ये देखिए, हमारा जीरा और काली मिर्च पाउडर है, ये मैं 1 स्पून ले ली हूँ। 1 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, स्वाद नमक ली हूँ जो आपको शायद दिख ना रहा होगा, वाइट सा है। थोड़ा सा मैं जिंजर ले ली हूँ, बहुत थोड़ा है ये जिंजर, क्योंकि गरम मसाला का तड़का मैं बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ इसीलिए। और ये सील करने के लिए थोड़ा सा आटा ले ली हूँ, इसको ढक्कन को मैं सील करूँगी इस आटे से। आटे को पहले गूँथ ली हूँ और रख ली हूँ। और बहुत थोड़ा ये गरम मसाला है, गरम मसाला बहुत। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने हांडी चिकन बनाने वाली हूँ। देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रखती हूँ। इसमें ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें जीरे का तड़का डाल देंगे, जीरे डाल देंगे, थोड़ा जीरा गर्म हो जाए, थोड़ा सा ये जीरा पक जाए, तब फिर इसमें मैं तड़के का सामान जो मैं आपको दिखाई हूँ वो डाल दूंगी, ये तेज पत्ता, ये गरम मसाला वाला सारा कुछ, और ये लाल मिर्च। टोटल मैं तड़के का सामान इसमें डाल दी हूँ। गरम हो चुका है, इसमें मैं अब ये लहसुन छिला हुआ डाल देती हूँ। इसमें लहसुन पीसने की ज़रूरत नहीं है, हांडी चिकन बनाना बहुत ही आसान है। अब इसमें मैं ओनियन डाल दे रही हूँ सारा, जो मैं काट के पहले से चॉप करके रखी थी, सारा ओनियन डाल दे रही हूँ। और ये जो मसाला मैं आप लोगों को दिखाई थी, टर्मरिक, काली मिर्च और जीरा का पाउडर, नमक और ये जिंजर, सारा मैं इसमें डाल दी हूँ। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इसको साथ में ही, इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, साथ में ही इसको चिकन को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से हांडी चिकन बन जाती है, और ये हांडी के कारण इसमें मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। देखिए, मैं इसमें सारा सामान डाल दी हूँ। अब इसको ढक्कन लगा देती हूँ और इसको आटे से इसको मैं सील कर देती हूँ, इसीलिए आटे में गूँथी थी। पूरा वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा कि आगे मैं नेक्स्ट स्टेप और क्या वर्क करने वाली हूँ। और देखिए, इसको मैं आटे से अच्छे तरीके से सील कर दी हूँ और इसको 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे, ये अपने आप बनता रहेगा। 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, 1 आवर के बाद कैसे पता चलेगा कि हमारा चिकन बन गया है। ये स्टीम यहाँ से निकल रहा है, ये जो आटा मैं चिपकाई थी वो छोड़ चुका है। अब इसको पहले निकालेंगे, ये सारा स्टीम यहाँ बाहर से छोड़ चुका है आटा, और स्टीम निकल रहा है, तो हमें पता चल गया है कि ये चिकन हमारा बन चुका है। पूरे 1 आवर लगे हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगे हैं। ये देखिए, ढक्कन मैं हटाती हूँ और देखिए कितना अच्छा ये चिकन तैयार हो गया है। देख रहे हैं, चिकन हमारा अब बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो
आइए अब हम इसको सर्व करते हैं और खाते हैं। तो लाइए इसको अभी हम इसमें डालते हैं एक बाउल में, और इसमें ये आराम है कि इसमें मसाले को भूनने का टेंशन नहीं है। कढ़ाई में बनाइए तो पहले प्याज भूनिए, मसाला को ग्राइंड कीजिए, उसके बाद हमारा ये चिकन बनता है। उसमें घंटों हमारा टाइम लग जाता है। इसमें बस हांडी में डाल के ढक दीजिए, ये इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये आराम से स्टीम से ही ये बन जाता है। देखिए हमारा ये चिकन तैयार हो गया। इसमें हम देखिए मैं गरम मसाला निकाली थी, गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में बनने के बाद इसमें गरम मसाला डालें और इसको इसमें मिक्स कर दें। इसमें मैं मिक्स कर दी हूँ, और गार्निश के लिए मैं धनिया पत्ता को चॉप करके इसको रख दी हूँ, और ये हो गया हमारा गार्निशिंग। तो आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, जिसके साथ मन है उसके साथ हांडी चिकन का मज़ा लीजिए और खाइए। फिर बताइए कमेंट करके कि कैसा बना है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।